अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बात बताइए सुमन, जब आप अंशुमन जी की जिंदगी से चली गई थी तो क्या मेरी गलती थी? जब आप अंशुमन जी की जिंदगी में वापस आ गई है तो क्या मेरी गलती है? जब अंशुमन जी ने मुझसे मेरा साथ मांगा तो मैंने उन्हें हाँ कर दी, क्या इसमें भी मेरी गलती थी? बताइए। सच तो ये है ना सुमन कि आप उनका बीता हुआ कल है। मैं उनका आज। भगवान साक्षी है संध्या, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। भगवान जी के सामने झूठ मत बोलिए सुमन, ना मुझसे और ना अपने आप से। संध्या बहू, कोई जरूरत नहीं है तुमको इस लड़की के सामने विनती करने की, काहे कि इसका यहाँ से निकलने का समय आ गया है। पंडित जी, आपने क्या किया? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम इस घर से चले गए तो इस घर में दिक्कत हो सकती है। अरे सबसे बड़ा दिक्कत है तुम हो, निकले यहाँ से। बड़ी माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत अटंकी हो गया इस लड़की का, सब लोग आग में पट्टी बांधकर अंधे हो गए हैं, लेकिन हमको सब दिख रहा है कि लड़की यहाँ पर क्यों आई है। आपको जो समझना है समझ लीजिए बड़ी माँ, लेकिन साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि सुमन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिग्बी, सुमन कहीं नहीं जाएगी। सुमन का इस घर में रहने का अधिकार पूरा है। दीदी, जिसकी किस्मत खुद उससे रूठी हुई हो, वो आपकी आंखों में किरकिरी क्यों बनी हुई है दीदी? अरे सुमन हमारे सामने खड़ी है, जिंदा खड़ी है, हमें तो खुश होना चाहिए। आप एक हर समय इसे ताने देती रहती है, इसे नाराज होती रहती है दीदी, क्यों? अरे ईटा से माथा फोड़ के मर जाएंगे हम तो, जो इसके पक्ष में किसी और ने एक भी शब्द कहा तो। तरस आ रहा ना सबको इस पर, तो हमारे एक सवाल का जवाब दो, हमको ये बताओ कि लड़की किस अधिकार से घर में आई है, बोलो। हम उस बच्ची की ऑब्जर्वर है, ये बात आपको कितनी बार बतानी और समझानी पड़ेगी आंटी जी। हम मानवता के अधिकार से हैं इस घर में, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देख लो सब लोग इस मानवता की देवी को, अब सुन भी लो अच्छे से और चाहो तो लिख लो ताकि भुला ना दो बाद में। ये लड़की यहाँ अपना नौकरी करने आई है और उसका ड्यूटी है 14 दिन का, उसके बाद ये लड़की इस घर से चली जाएगी। याद रहे सबको, चली जाएगी। मुझे कुछ नहीं समझना है सुमन, मेरी पास्ट बीता हुआ कर। अंशुमन जी की आज हमारे आंखों के सामने खड़ी है। आज और कल की बात क्या करें दीदी, सुमन भी इस घर की बहू है, ये घर सुमन का भी है, समझिए ना दीदी। ये जाएगी तो जाएगी कहां यहां से? वहीं जहां सुमन ने 1 साल बिताया है। पिछले 1 साल से हमने सुमन के साथ हर पल जिया है, वो हमारे परिवार की एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। बेटा, हम भी तो तुम्हारी माँ ही हैं। अब हमारी सुमन से कोई नहीं पूछेगा कि वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो रहेगी हमारे साथ, हमारे घर।
और हम रखेंगे इसे अपनी पलकों की छांव में। मारा है डॉक्टर राजीव की माँ। हमने सुमन को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा है और आज हम आए हैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। उठा सुमन, तुम तो दीदी को जानती हो ना, उनके स्वभाव से परिचित हो बेटा। दीदी की बात का बुरा मत मानो, मत जाओ हमें छोड़ के। ये तुम्हारा ही घर है इसमें, राय बहादुर खानदान की बहू सुमन का घर। हमारी बेटी सुमन का घर है ये? नहीं। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें डॉक्टर राजीव ने अपॉइंट किया है, हम इनकी एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय को जहां नौकरी करती है वहां रात में नहीं रुकना चाहिए। चलिए देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।